ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ICN न्यूज़, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। इछावर नगर की पहचान अपनी संस्कृति एवं अपनी कला के लिए वर्षों से पूरे मालवांचल में रही है और इसी कला के अमिट हस्ताक्षर के रूप में सदैव याद आते रहेंगे पूजनीय बाबूजी मोहन चंद्र प्रगट जी। युवा कला मंडल नाटक कंपनी के कलाकार और मशहूर नाटक दिल्ली दरबार में शेर खान की भूमिका निभाने वाले साहित्य प्रेमी बाबूजी प्रगट जी का कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए ईश्वर लोक गमन हो गया था, जिनकी स्मृति नगर में चौराहों से लेकर हर गली मोहल्ले पर हमेशा के लिए जीवंत रह गई है। प्रगट जी के प्रयासों से ही इछावर नगर में नाटक कंपनी युवा कला मंडल का गठन 1960 में किया गया था। नोएडा कंपनी का आकर्षक नाटक दिल्ली दरबार था, जिसमें प्रगट जी शेर खान की भूमिका निभाते थे। यह नाटक काफ़ी मशहूर था। भोपाल के रविंद्र भवन, सीहोर के नमक चौराहा की शान प्रगट जी की नाट्य कला रही है। अपनी कला के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका अनुभव सदा इछावर के लिए आशीर्वाद रूपी ही रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के करीबी होने के साथ साथ राजनीति में उनकी पेट अलग स्तर की हुआ करती थी। साहित्य सेवा को लेकर अपने जीवन में अंतिम पड़ाव में प्रगट जी ने कई साहित्यिक संस्थानों को खड़ा किया और काव्य चेतना को जागृत किया। उन्हीं में से काव्यांश साहित्यिक व सामाजिक संस्थान इछावर एक है। उनके अतुलनीय योगदान के लिए उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर काव्यांश संस्था द्वारा रंभाबाई राठी धर्मशाला में मंगलवार शाम 7 बजे दिनांक 7 सितंबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध गीतकार बाबू घायल जी आस्टा को उनकी स्मृति में सम्मानित किया जाएगा एवं काव्य संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सदैव बाबूजी के संकल्पों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ICN न्यूज़। सत्य सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य सटीक विश्वसनीय।